the winner of MTV Hustle 2.0. साल मेरी उम्र थी हाँ, पता चला मेरी लिखाई में हुनर थी हाँ, इतनी बार मेरे सपनों को कुचल दिया, पर गानों से जलाई मैंने कुछ अर्थियाँ। हसल किया मैंने, काम नहीं रोका, मुझे कितनों ने बोला तेरा काम नहीं होगा, पर आज ऐसा कोई नाम नहीं होगा जिसे सुना मेरा काम और सलाम। Alright, so here was everyone, this is Suraj Business. I hope you all good. अच्छा बढ़िया, जिंदगी से चल रही है। हाँ, तो आज का सीन ये है कि भाई देखो, ऐसा सबसे पहले पूरा वीडियो देखा करो, जो मेहनत करता है उसको सपोर्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे लगता है कि सब लोग इक्वल मेहनत करते हैं, बराबर मेहनत करते हैं, सब लोग सपोर्ट डिजर्व करते हैं। और सीन में बहुत से कम लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, ठीक है, जो स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। इफ अगर डेली व्लॉग सपोर्ट करोगे तुम लोग मेरे को, या फिर बहुत से लोगों को, या फिर किसी की वीडियो सपोर्ट करोगे, तो वो क्लिकबेट करेगा ही नहीं, उल्टे सीधे थंबनेल लगाएगा ही नहीं, है ना। बस मेरा यही कहना है कि प्लीज यार, मतलब डेली सपोर्ट करा करो। बाकी आज MTV असल का कुछ फाइनल है शायद, बाकी देखते हैं। बाकी अभी मैं मैगी बनाता हूँ, फिर उसके बाद अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ और मजा आने वाला है। चलो ऑलराइट, तो अभी हम लोग मैगी बना रहे हैं और ये सब्जी और यहाँ पे काटेंगे। बाकी ये पता नहीं कौन सा सस्ता सा मैगी है, रात में जल्दबाजी में ऐसे लेके आ गया क्योंकि शॉप नहीं खुली थी। बाकी बनाते हैं अभी, और यही लाइफ है और ये रियल हसल होता है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट रहता है और जो अकेले सर्वाइव करता है उसके लिए ये सब सीखना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। कहते लोग सब कलयुग का दोष है, हर कोई यहाँ एहसान फरामोश है, मेरा सवाल कहीं भी। चलो भाई खाते हैं, और थोड़ा दोस्त से काम है मुझे, तो थोड़ा प्लानिंग भी करनी है, बाकी चलते हैं। 17 लाख का है उसका, 2 लाख। तो तुम लोगों को पता है मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं करता और मेरे प्लानिंग कुछ नहीं है, आज का भी डेली व्लॉग्स, लेकिन शाम को आएगा MTV असल, रिएक्शन करेंगे, मजा आने वाला है। रिएक्शन ऐसे करेंगे कि मतलब बैठेंगे, देखेंगे और जो मतलब फील आ रहा है, जो वाइब आ रही है वही करेंगे बस। तुम लोग इन्जॉय करना, मैं भी इन्जॉय करूंगा, साथ में इन्जॉय करेंगे, भाई भी इन्जॉय करेंगे। नहीं सारा जोक औरों के दिलों से खेले तू मेरे लिए, let me roll some ruchi for you, पहले joint तेरे। चलो भाई थोड़ा सा महंगी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि भाई महंगे आदमी के साथ बैठा हुआ है, ठीक है भाई। मैं को नहीं पीना होता, मेरे को बस दो वक्त का खाना मिल जाए, बहुत ही लगती। देखो अभी इसमें स्कैम कैसे होता है, देखो अभी स्कैम दिखेगा, स्कैम अभी आधा हो जाएगा। भैया अभी हंस रहे हैं। इनके स्कैम के बारे में मैंने बताया तो अंदर जो वर्कर्स थे ना, वो पता क्या कर रहे हैं, मतलब सखर बन गए उनकी, बिल्कुल एकदम से ऐसे। MTV असल देखना, जल्दी से सीन बना लो, जल्दी से। कैडी बात, कैडी चीज, कौन जीतेगा आज? भाई जो जीतने लायक था वो तो उन्होंने पहले वार कर दिया। कौन? वही सृष्टि। सृष्टि, अच्छा। पैराडॉक्स, एक हुसैन परी थी वही वार कर दी उन्होंने, क्योंकि ये तो भैया बंदा तो पॉल गोल है भाई। चलो ठीक है, देखते हैं कैसे ना, बाकी मजा आने वाला आज। A few moments later. Alright, तो अभी गैस भरवा के आ चुका हूँ। और कल रात को ना, मेरा ना कल रात को 12 बजे मैं खाना बना रहा था, मेरा गैस खत्म हो गया भाई, मैं एक पराठा खा के सोया हूँ कल रात को। Alright, तो हाँ मुझे लगा कि आज फिनाले है, लेकिन आज फिनाले नहीं है, आज एपिसोड चल रहा था जिसमें परफॉर्मेंस हुआ था, और सबका परफॉर्मेंस बहुत सही था, और सब लोगों ने शोकेस भी दिया अपना, है ना, पांचों ने शोकेस दिया, बहुत अच्छा लगा। और इसमें एक काया हुआ था, अच्छा एपिसोड था, और मैंने रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि बैटरी लो थी, और दूसरा मुझे लगा था कि आज फिनाले होगा, लेकिन नहीं, आज फिनाले नहीं था, कल ही फिनाले। लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि MC स्क्वायर के दोस्त हैं और पैराडॉक्स के दोस्त हैं, मैंने उनसे मजाक में ऐसे पूछा कि कौन जीता, तो उनका आंसर ये था कि MC स्क्वायर जीत चुका है और पैराडॉक्स रनर अप है, बाकी कल पता चलेगा जो भी सीन है। और तुम लोग अपना फेवरेट कंटेस्टेंट का नाम कॉमेंट करके बताओ कौन जीतने वाला है और कौन जीतने वाला, कल फिनाले दिखने में बहुत मजा आने वाला है। तुम लोग सपोर्ट करना और बहुत सारा प्यार, लव यू सबको, जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, डेली व्लॉग सपोर्ट करो, फैमिली बनो मेरी, और एज अ फैमिली सपोर्ट करो, और लव यू सबको, कल मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, बाय। सारा जोक औरों के दिलों से खेले तू मेरे लिए, let me roll some ruchi for you, पहला joint तेरे नाम तेरे लिए, ever since you got that rollie on your wrist.